नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुका लेते हैं खबर की ओर। लखनऊ के भारत खंडे संस्कृत विद्यालय के कला मंडप में लिरिक्स एकेडमी के द्वारा जश्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लिरिक्स एकेडमी ऑफ म्यूजिक के द्वारा प्रशिक्षित छात्रों ने नृत्य और संगीत जैसी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत की। इस प्रतियोगिता में अलग अलग उम्र के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कई विभूतियों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम को लेकर आयोजक विपिन गुप्ता ने जानकारी दी कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों की कला समाज के सामने प्रदर्शित करना है। वहीं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे अभिभावकों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुशलता के साथ हमारे बच्चों को महज चंद दिनों में ट्रेनिंग दी गई, जिसका हमने नजारा मंच पर देखा। हमारे यहाँ पे जैसे लिरिक्स एकेडमी म्यूजिक जानकीपुर में सहारा स्टेट ब्रांच की परफॉर्मेंसेज है, जो बच्चे हमारे यहाँ पे सीखते हैं, तो ईयरली एंड हाफ ईयरली हमारा एक शोकेस होता है। तो वही बच्चे जो हमारे यहाँ पे सीख रहे होते हैं उन्हीं का आज परफॉर्मेंस और एक प्रेजेंटेशन है। एज ग्रुप क्या है इनकी? एज ग्रुप 3+ रहता है, 3 to 50+। बस हम तो मेरा तो बस यही हमेशा रहेगा कि बच्चे अच्छे से अच्छा अपना मेहनत करें और अच्छा नाम करें और अच्छे अच्छे अच्छा सीखें। हम लोग सिखाने के मामले में बस यही चाहते हैं, क्योंकि अच्छे से अच्छा जो भी टैलेंट जो टैलेंटेड बच्चे आजकल होते ही हैं, तो उनको हम पॉलिश कर सकते हैं और उन पर मेहनत करते हैं तो बच्चे आगे जाएं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरा नाम है केलन, लेकिन मैम बहुत टीचर सिखाती है, अच्छा लगी मुझे और डांस बहुत अच्छा लिए मैंने। आपके टीचर कितने दिन तक बैठा सिखाए आपको डांस? 10 दिन सिखाई है। जी, कितने दिनों में आपने आज डांस कर रही थी? ये अभी 12 डेज हुए हैं, इन लोग ने 12 डेज में डांस सीखा है और बहुत अच्छा सिखाया सर ने भी। और लिरिक्स में मैं अभी हार्डली 12 डेज हुए हैं मुझे, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने सिखाया। आज स्टेज पे आप लोग ने देखा ही कितना अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। मैं ये तो भाई हम पेरेंट्स होकर तो हमें स्टेज पर खड़ा कर दिया तो भी बहुत डर लग जाएगा, हम लोग को नहीं कर पाएंगे, बट बच्चे छोटे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश का कहर अब दिखने लगा है। बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। उन्नाव में 4 तहसील क्षेत्रों के गंगा के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। हालात ये है कि बाढ़ की वजह से मोहल्ले में नाव चलानी पड़ रही है। वहीं गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज कुछ दूरी पर है, लिहाजा जिला प्रशासन भी लगातार गंगा के जलस्तर को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है। डीएम अपूर्वा दुबे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कहाँ घर है आपका? यही है। क्या नाम है मोहल्ले? मोहल्ले क्या नाम है? मोहम्मद नगर। मोहम्मद नगर, मोहम्मद नगर बोलता। अच्छा, ये जो बाढ़ आई है यहाँ पे जी, तो क्या समस्याएं आपको होती हैं और प्रशासन की तरफ से क्या? हर तरह की समस्या, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं टाइम से। स्कूल अगर 8 बजे का, बच्चे को 9 बजे क्योंकि नाव वालों का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, हालांकि यहाँ के जो पूरे सभासद हैं हमारे फैयाज हुसैन राजा, उन्होंने नाव काफ़ी लगवा रखी हैं लोगों की समस्याओं के लिए, पर लेकिन वही है कि घर 2-2.5 हज़ार और नाव लगी हैं 10-12, सरकारी नाव 1-2 लगी हुई हैं, बाकी उन्होंने अपने स्तर से लगवा रखी हैं। तो जिस तरह से नाव वाले बेचारे हेल्प कर पा रहे हैं, कर रहे हैं लोगों की। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा और खतरे के निशान से कुछ दूरी पर है, आपके द्वारा किस तरह की निगरानी की जा रही है? हम लोगों के द्वारा जो है बाढ़ राहत कंट्रोल रूम स्थापित है सर्वप्रथम जनपद में अनुश्रवण के लिए, उसके पृथक से बाढ़ चौकियाँ स्थापित की गई हैं जो लगातार हमारे द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है, केवल जल स्तर का परंतु प्रत्येक ग्राम जो प्रभावित हो रहे हैं। आज की तिथि में हमारे 26 गांव प्रभावित हैं, जहां पर जल स्तर बढ़ने से जल भराव की स्थिति, वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है। तो हमारे द्वारा लगातार चाहे राहत सामग्री इत्यादि समस्त जो व्यवस्थाएं हैं हमारे द्वारा पूर्ण रूप से की जा चुकी हैं। पूर्व से ही हमारे द्वारा समयबद्ध रूप से टेंडर भी कराया जा चुका था और सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूर्ण कर ली थी। त्वरित रूप से निरीक्षण आज भी स्वयं 3 जगह निरीक्षण है और निरीक्षण लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है। हेल्थ व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को भी पूर्ण कराया जा रहा है।
संभल विकासखंड वानियाखेड़ा क्षेत्र के गांव खवरिया में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के आपसी विवाद में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि महिला शिक्षा मित्र और प्रधानाध्यापक में आपसी रंजिश के चलते विवाद काफी हद तक बढ़ गया है और दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। वहीं दोनों में किसी बात को लेकर स्कूल के अंदर जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसमें पुलिस ने महिला शिक्षा मित्र के शिकायती पत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति मालिया है। अच्छा, आप जो है कहाँ पे कार्यरत हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय खवरिया में कार्यरत हूँ। मैम, क्या हुआ था आज? आज ये हुआ था, मैं 7:50 पे स्कूल में पहुँची थी तो देखा कि मैंने कि मार पिटाई हो रही है हेड टीचर और शिक्षा मित्र में। तो मैंने दोनों को समझा उजा के एक तरफा बिठाया। फिर ये हुआ कि उसकी शिक्षा मित्र के परिवार की कुछ लेडीज़ आई, एक लेडीज़ थी, एक बच्ची थी, मतलब 14-15 साल की लड़की होगी। तो वो आती है कि वो फिर इनका वो बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ अपमान वो हुआ है। तो फिर बाद में बाहर आते हैं कि अब पीट मुझे शिक्षा मित्र कहती है इनसे केशव सर से कि अब पीट। फिर वो उनके चांटा मार देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव है। कहाँ पे आप कार्यरत हैं? क्या मामला हुआ था? ये जो हमारे यहाँ शिक्षा मित्र है अर्चना कुमारी जी, वो आए दिन विद्यालय का रिकॉर्ड अपने घर ले जाती है। विभाग को उनसे मना किया गया, नहीं मानी, उसकी सूचना भी दी गई ऊपर विभाग में। लगातार ये चलता रहा, नहीं मिली तो उसके लिए उठा के फिर सहायक अध्यापक से उसके साथ मतलब पूछा मैंने क्या किया जाए, तो वो उठा के उसके लिए हमने बंद करके रखना शुरू कर दिया ताकि सुरक्षित रहे रिकॉर्ड। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी, शिक्षा मित्र। कहाँ की रहने वाली हो? खवरिया। किस विद्यालय में शिक्षा मित्र हो आप? प्राथमिक विद्यालय खवरिया। अच्छा, क्या हुआ था आज? सर, मैं ऑफिस में सब साइन करने के लिए अंदर गई थी, बाद में प्रधानाध्यापक अंदर गए और मेरे साथ बदतमीजी करी। मैंने अपना बचाव करने के लिए बचाव करा तो उन्होंने हाथापाई की मेरे साथ, मारपीट की, गाली गलौज मेरे साथ। अब खबर रायबरेली से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी मामलों की गहन जांच पड़ताल करने के बाद मामलों का निस्तारण किया जाए। भूमि विवाद और आपसी मनमुटाव के मामलों में दोनों पक्षों की बात अवश्य सुनी जाए। वहीं जिलाधिकारी के सामने कुल 93 मामले सामने आए, जिनमें 6 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में एक महिला और उसकी एक महीने की बेटी का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंचे डलमऊ पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ मृतक के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दोनों को मार डालने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार नाम है मेरे साथ। कहाँ रहते हो? पूरे कॉलेज डलमऊ रायबरेली। क्या हुआ है? हमारे बहन को पाछे लगा के घर पर मिल के मारा है। और उसकी लड़की भी थी? हाँ, लड़की, छोटी लड़की भी नन्नी सी थी, उसको भी मार दिया गला दबा के। किसने मारा है? अरे सब लोग घर पर मिल के मारे हैं। कौन? नाम है रिंकू हो गए और इनका नाम महेंद्र, महेंद्र नहीं है मगर पूनम नाम है और तीरथ रानी नाम है। जब घर में 5 ले जितने ज़्यादा सब घर पर मिल के मारे हैं हमारी बहन को। लगभग 3:40 के आसपास एक वाहन से ज्ञानवती नाम की महिला, उम्र लगभग 20-23 साल के आसपास, और एक महीने की बच्ची। खबर प्रयागराज से, जहां हंडिया तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। इस मौके पर कुल 412 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 32 प्रार्थना पत्र का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं सभी थानों के प्रभारी व कई विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आज तहसील समाधान दिवस में हमारे जनपद के सारे जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कुल हमारे पास 412 शिकायत आई और इनमें से 32 शिकायतों का आज हमने मौके पर निस्तारण किया है। इसके अलावा 10 टीम हमारी अभी मौके पर जा रही है, जिसमें राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम और वहां जाके जो भी शिकायत करता है उनकी उपस्थिति में विवाद का निस्तारण करेंगे।
इसके अलावा हमारे पास कुछ विद्युत की शिकायतें हैं, कुछ आवास की शिकायतें हैं और कुछ चक मार्ग पे अवैध कब्जे की शिकायतें हैं। जो चक मार्ग पर अवैध कब्जे की शिकायतें हैं उनका हम इस गुरुवार को अभियान लगाने वाले हैं। उस अभियान के दिन हम चक मार्ग पर जितने कब्जे हैं उनको हटाने की कार्रवाई करेंगे। मेरी यहाँ की जो अधिवक्तागण है उनसे बात हुई और जो अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई है। तो एक जो हमारे सामने समस्या आई है उनका कि पीने के पानी का समस्या है कि एक महीना पहले वाटर कूलर लगा था, खराब हुआ, उसको हम तत्काल से ठीक करा देंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड में लगने वाले 17 जिलों के जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संबोधन को सुनने के बाद वहां मौजूद जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों में उत्साह दिखा। यहाँ 2 दिवसीय जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग बुंदेलखंड कार्यक्रम का समापन रविवार को होगा। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहता हूँ 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। एक अकेला मोदी अपना ठग बंधन पर भारी है। अखिलेश जी कह रहे हैं उनकी राहों में साण छोड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे? श्री अखिलेश जी को मैं ये कहूँगा कि जरा साण से ध्यान हटा करके अपने गुंडे अपराधियों से अपनी पार्टी को मुक्त करावें, अन्यथा वो सपा जो है समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। जो ग्रामीण इलाके में बीजेपी कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मजबूत है और हर बूथ में जीत की तैयारी में है और 2024 में 80 में से 80 यूपी की सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी अमेठी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे क्या कहना है, जिनको जहां आना हो आ जाए, 80 अगर हम जीतेंगे कमल खिलाएंगे तो स्वाभाविक तौर से उनको जीत की नहीं हार की माला पहन के जाना पड़ेगा। हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में शराब ठेके के सेल्समैन पर हमले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक और 1 महिला जमकर उत्पात मचाते दिख रहे हैं। पिहानी चुंगी चौकी से चंद कदम की दूरी पर उधार की शराब न देने को लेकर ये विवाद हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शराब मांगने को लेकर एक विवाद हुआ है, शराब ठेके में कहां का मामला है, क्या है घटना? थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी पड़ती है पियानी चुंगी, वहाँ पर एक देसी शराब का ठेका है, जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा उधारी के शराब मांगने को लेकर शराब के जो सेल्समैन हैं उनके साथ कहा सुनी वाद विवाद है, मारपीट की घटना घटित हुई है। उपरोक्त प्रकरण में थाना स्तर से जांच एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है, उसमें जो भी तथ्य आएगा उस पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कौन लोग हैं ये और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? पहचान की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। की शराब के ठेके पर तोड़फोड़ की गई है। गोंडा से कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह विकासखंड महाकवि तुलसीदास महाविद्यालय परसरपुर में सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। दिया गया है, इनका ये 9 साल का कारनामा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं तो आपने देखा होगा 15 अगस्त को 2 बच्चों को अपने गाड़ी पर बैठा चल रहा हूँ, तो मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों बराबर। एक चैलेंज आपने किया था पिछले दिनों की कांग्रेस के प्रियंका गांधी किसी सीट को उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने मेरे साथ, क्या उस चैलेंज में आप कायम है? बाराबंकी के एक इंटर कॉलेज में 15 अगस्त को निकल गई प्रभात फेरी में कुछ छात्रों के द्वारा धार्मिक नारे लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में कुछ छात्र धार्मिक नारे लगा रहे हैं, जिसके द्वारा दूसरे वर्ग द्वारा भी नारे लगाए गए। वीडियो वायरल होने के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने नारा देशद्रोही की श्रेणी में बताते हुए छात्रों के अभिभावकों को लेटर जारी किया, साथ ही धार्मिक नारेबाजी करने वाले छात्रों को कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। नाम क्या है आपका? जी विजय कुमारी। अच्छा, आपका लड़के का नाम है जो जागृति इंटर कॉलेज में पढ़ा थे? ज्ञानो सिंह। क्या हुआ था 15 अगस्त को?
अरे जय श्री राम ओम बोले रहा हो का कहता था ना वो वीडियो वायरल की ना वो है कहते नाम काट दूँ। हाँ। आप स्कूल नहीं गए प्रिंसिपल से बात करेगी? जी स्कूल गए रहा, स्कूल गए रहा, प्रिंसिपल से माफ़ी भी मांगा कि बाप भी नहीं है और उसका जिंदगी नंबर बात करो, फिर भी हमको भी भगा दी, लड़कों को भगा दी। क्या बताए? कहीं नाम नहीं, अब निकाल दिया, हम नहीं नहीं लेंगे, नहीं लिखेंगे। किस क्लास में पढ़ता है लड़का? 9th में। ज्ञानो से। किस क्लास में पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? जागृत इंटर कॉलेज 9th में पढ़ते हो। अच्छा 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को ये हुआ था कि जैसे कोई याली हुसैन कर रहे थे तब इधर से नहीं, स्कूल में कर रहे थे नहीं बाहर रोड पे प्रभात फेरी के। हाँ जब रैली में कर रहे थे तो उधर से, जब याली हुसैन कर रहे थे तभी इधर से नहीं, हम लोग जय श्री राम बोले तो उधर से प्रिंसिपल कह रहे कि देशद्रोही में लगा दिए हमें जय श्री राम बोलने से। अच्छा तो कितने बच्चों का नाम काटा है? तकरीबन 12-13 लोगों का नाम काटे। तो सबकी टीसी पे क्या लिखा गया? टीसी पे लिखा क्या गया? टीसी पे मार्टिन साइन ही किया अपना, वो बाकी ये अलग से पर्चा लिख के दिए हैं देशद्रोह वाला। आप जो लिए हो इस पे क्या लिखे हैं? फरीदाबाद में एक युवक की हत्या के मामला का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। मृतक की पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा था। युवक को बीच से हटाने के लिए दोनों ने जानबूझकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक युवक की पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और हत्या को अंजाम देने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत मिली थी जिसमें गांव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी, जिस संदर्भ में FIR नंबर 200 BPTP पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था, उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी। जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो DLF है हमारी, CIA DLF की टीम जो थी उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। संभल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 28-28 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जादू टोने के बहाने दोषियों ने नाबालिग से रेप किया था। दोनों दोषी जादू टोने के बहाने एक नाबालिग लड़की को झोपड़ी में ले गए जहाँ उसे दुष्कर्म किया। लड़की ने घर वालों को जब आप बीती बताई तो घर वाले सन्न रह गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने केस दर्ज कर तत्वारित पैरवी की। आज शुक्रवार को जनपद तो बता दें कि न्यायालय को विशेष पॉक्सो कोर्ट में बेहद तेजी से सुनवाई करते हुए सिर्फ एक साल में दोनों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 28,000 का जुर्माना भी लगाया है। देखिए ये थाना कैला देवी की घटना है, इसमें एक अभियुक्त नूरुद्दीन है और एक निजामुद्दीन है। इन दोनों अभियुक्तों ने, इनके ही परिवार की एक बच्ची थी उसको जो है जादू टोने के नाम पर उसको ये एक झोपड़ी में लेके गए और उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया। जब इस बात की सूचना जो है उस बच्ची ने अपने परिजनों को दी तो उनके द्वारा जो है FIR दर्ज कराई गई। उसका ट्रायल माननीय अपर जनपद न्यायाधीश पॉक्सो यहाँ पे संभल स्थित चंदोसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मेरे द्वारा उसमें पैरवी की गई और उसमें आज जो है 20 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड से इन अभियुक्तों को दंडित किया गया है।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीते दिनों अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ये है कि माननीय न्यायालय ने सिराज और उसके साथी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दो दिन पहले ही फरार चल रहे दोनों आरोपियों पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। सचू जी, आज जानकारी मिली है कि अभियुक्त सिराज अहमद और इस्माइल खिलाफ तिरासी कार्रवाई जारी हुई, क्या कहना है इसका? देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे जिस अधिवक्ता की हत्या हुई थी वो बिल्कुल युवा अधिवक्ता था। हमारे बार में हर तरह से उसका योगदान रहता था। हमारा पूरा संघ इसके लिए आंदोलित है और आक्रोशित भी है। तो इस संदर्भ में जो भी सरकार के द्वारा और जो है प्रशासन के द्वारा जो भी सहयोग किया जा रहा है, उस सहयोग से जो है लगभग हम सभी लोग संतुष्ट भी हैं। चूँकि अभी हमारे यहाँ से मांग की गई थी कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो आप तिरासी की प्रक्रिया तत्काल उसके खिलाफ करवाइए, और इसके अनुक्रम में पुलिस प्रशासन के द्वारा ये तिरासी की प्रक्रिया कराई गई है, उसके लिए आदेश आज कर दिया गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि शीघ्र इस तिरासी की प्रक्रिया पर अमल भी किया जाएगा। तो खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर बता दें कि आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे दिया गया है। वहीं पर अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव हरदोई के बिलग्राम पहुंचे। शिवपाल यादव अपने करीबी नेता और लोहिया ट्रस्ट के ट्रस्टी राजेश यादव के पिता की 13वीं संस्कार में शामिल होने बिलग्राम कस्बे के देवधाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए इंडिया महागठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही और लोकसभा में इंडिया महागठबंधन की बड़ी संख्या में सीटें निकलने का दावा किया और बीजेपी को चुनाव में जमीन से हटाने का बड़ा दावा किया है। आपको याद होगा ना, 2022 के चुनाव में ये माननीय प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे, गृह मंत्री को कह रहे थे, तो गुजरात सर सदन जब चलता है कह रहे थे, गुजरात के सदन जब चलता है तो सदन में योगी खास करके आप काफ़ी जो है मजाकिया लहजे में और आपसे ज़्यादा वार्ता करते रहते हैं, उसको लेकर क्या दृश्य दिख रहा है, किस तरीके से? नहीं तो विधानसभा में काफी भी दबाव है, वो भी देखते हैं। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।